Friends, today we will talk about the powers conferred under Article 145, Clause 3 of the Indian Constitution, which provides for the constitution of constitution benches by the Honorable Supreme Court of India. So, under what circumstances these constitution benches are being constituted by the Supreme Court of India? So one of the such circumstances is the power, the consultatory power of the president provided under Article 143, which empowers the president of India to consult Supreme Court on any matter of fact or law. And it also provides for the advisory jurisdiction of the Supreme Court. Article 143, and under Article 145, the power to constitute special constitution benches is conferred upon the Supreme Court of India. तो ये जो constitutional benches हैं मित्रों, जो Supreme Court के पास जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार भारतीय संविधान अपने अनुच्छेद 145 clause 3 के अंतर्गत Supreme Court को देता है. तो ये क्या है, ये कब उपयोग में लाई जा सकती हैं? तो उनमें से एक अवस्था ये है कि या तो आर्टिकल 143 यानी 143 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति के पास अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करने का किसी भी फैक्ट या लॉ के प्रश्न पर, जो प्रश्न सेटल नहीं है अभी तक और जिसके विषय में कोई विवाद है या कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं, एक दूसरे से विपरीत व्यूज हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं या मान्यताएं हैं, तो उनको सेटल करने के लिए, उनका एक पक्ष निस्तारण करने के लिए ये बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट होती हैं. एक कारण तो इसका ये है. और आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बेंचेस होती हैं, दो जजेस की या फिर तीन जजेस की सामान्यतः, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो कम से कम पांच जजों की बेंचेस होती हैं. पांच हो सकते हैं, सात हो सकते हैं, नौ हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं. तो केशवानंद भारती के केस में आज तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी थी, 13 जजेस की बेंच की बेंच थी वो. तो वो 13 जजेस की बेंच ने केशवानंद भारती के विषय में जो प्रश्न, संवैधानिक प्रश्न थे, उनको हल करने के लिए वो बेंच बनाई गई थी और उसने अपना निर्णय उस पर दिया था. संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर उसमें परिभाषित किया गया था. इसी प्रकार से और भी बेंचेस समय समय पर सुप्रीम कोर्ट और आज की जो स्थिति है उसमें भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस की केसेस सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है. और इसमें जजेस कौन सिट करेंगे, कौन बैठेंगे, इसका कोई कोई इसमें कोई नियम नहीं है. ये सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं उनके पास, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके पास ये अधिकार है, विशेषाधिकार है कि वो किसको, किस जज को, माननीय जज या माननीय न्यायमूर्ति महोदय को उसमें नामित करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बैठने के लिए. तो ये एक प्रकार से मोटे तौर से ये एक बात हो गई. फिर यदि कोई निर्णय तीन जजेस की बेंच द्वारा, क्योंकि अगर डिवीजन बेंच है दो जजों की तो उसका निर्णय तीन जजेस की बेंच के पास जाता है, और यदि कोई तीन जजेस वाली बेंच का निर्णय दूसरी तीन जजेस वाली बेंच के निर्णय के पास किसी समय बाद किसी अवधि में गया तो, और उसको लगा कि नहीं ये जो निर्णय पहले तीन जजेस की बेंच ने किया था वो उपयुक्त नहीं था और उसमें ये त्रुटियां या कमियां रह गई हैं या संवैधानिक प्रश्न रह गए हैं जिनका उत्तर दिया जाना आवश्यक है, तो उन विषयों को सेटल करने के लिए, लॉ को सेटल करने के लिए, विधि की पुनर्स्थापना के लिए वो पुनः जो है तीन जजेस की जो बेंच है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर देती है और फिर उसको रोस्टर के अनुसार, जो परंपरा है, जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में भी वर्णित है, उसके अनुरूप वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस का गठन होता है. और जिसके की आरंभ जो है पांच जजेस की बेंच से होता है, जैसे कि आपने अभी अयोध्या के मामले में भी देखा कि पांच जजेस की बेंच थी, हालांकि उसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं कहा गया, वो जजेस पांच जजेस की बेंच थी और उसने ये निर्णय दिया. तो ये इस तरह तमाम केसेस में हम देखते हैं कि ये निर्णय आते हैं और इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस का निर्णय, इसमें बहुत सारी और भी विशेषताएं हैं, बहुत सारे और भी
बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, उनको कभी आगे अवसर मिला तो अवश्य टेकअप करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।